हेलो एवरीवन, तो आज संडे है और हमने सोचा आज हम पिकनिक करने चलेंगे। तो हम जा रहे हैं सुर लेक। जाने के लिए हमको ऑलमोस्ट एक घंटा लगेगा। तो हम पहले जा रहे हैं गार से हम लेंगे ट्रेन, फिर आई थिंक दो स्टॉप के बाद हमको लेनी है बस। कौन सा रूट है, कौन सी बस है, कौन सी ट्रेन है, मैं सब टेक्स्ट में नीचे कहीं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। बाकी इस लेक से बहुत उम्मीद है क्योंकि मैंने पिक्चर्स देखी थी तो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। एंड समर्स में वहाँ पर स्विमिंग भी अलाउड है एंड 30 सितंबर तक ही अलाउड है। एंड श्रेया एंड चांदनी को स्विमिंग करना बहुत पसंद है तो मैंने कहा चलो आज वहीं चलते हैं। तो बाकी तो हमारे पास क्या है पिकनिक करने के लिए, पिकनिक ब्लैंकेट हमने ले लिया है, मैंने रखे हैं कुछ कलर्स एंड पेंटिंग स्टफ, खाना भी घर से ही बना के लेके आए हैं, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। सूर्य देवता आज लक्ज़मबर्ग पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा धूप है, इतनी धूप है कि मेरे को पसीना आ रहा है और सुबह अभी 8:30 ही बज रहा है। मैंने वहाँ जाना है, छांव देखनी है और वहाँ पे चटाई बिछा देनी है, बेस्ट रहेगा। हमारा रिकॉर्ड टूटने से बच गया है, हमने एक और ट्रेन भाग भाग के पकड़ी है बट पकड़ ली। हाउ वाज आवर एक्सपीरियंस? शट अप जैकास। 8:45 तक हम बैठे थे कि नहीं आएंगे ये लोग, फिर मैं निकल ही गए। ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट ट्रैवल करने के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे और हम जा रहे थे लुल्सहाउज़न बीच। बीच पे पहुंचने के लिए बस स्टॉप पे उतरिए एंड वहीं से एक लेन जा रही है अंदर को। अगर आप वहाँ पे स्ट्रेट चलते जाएंगे तो आपको लेक का ऑलरेडी व्यू दिख जाएगा, तो बस उसी रोड पर आपको सीधा चलते जाना है एंड बेयरली 10 मिनट्स के वॉक में वो बीच है। द एग्जैक्ट गूगल मैप लोकेशन इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। हम लोग अपने बोरिया बिस्तर लाए हैं क्योंकि इतना लाखों लाखों रेंट पे करने के बाद भी हमने खुले मैदान में सोना है। देखिए यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे बीच हैं और अगर आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको लुल्सहाउज़न के अलावा भी काफ़ी बीच दिख जाएंगे, आप किसी में भी जा सकते हैं, सबके सब एक जैसे ही हैं, सिमिलर हैं, लेकिन ये वाला सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हम यहाँ पे गए थे, हम इतना अर्ली मॉर्निंग गए थे, बस स्टिल काफ़ी लोग पहुँच गए थे जिन्होंने अपने पिकनिक ब्लैंकेट ऑलरेडी बिछा दिए थे। लेक में स्विम करने का तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आपको कयाकिंग करनी है, स्टैंड अप पैडल करना है तो वो सब रेंटल पे मिलता है। जस्ट लेक के अपोजिट ही वहाँ पे फैसिलिटी है जहाँ पे जाके आप अपनी बोट्स पर आर के बेसिस पे रेंट कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय योर डे। दिखाओ क्या किया तुमने पॉम्प। फर्स्ट इंजरी ऑफ द डे। श्रेया तुम्हें कैसा लगा 1 हफ्ते बाद नहा के? 1 हफ्ते बाद नहीं, कम पेन से दस है।
सी आई एम सो टैलेंटेड। भावना का ये रहा। और श्रेया वहां पे है। ये रही मेरी पेंटिंग चांदनी। वाह वैन गो के अलाद। क्या बात है। वैन गो भी उल्टी करता होगा। And the exciting part is यहाँ पे permanent barbecue sites हैं where you can come, throw a barbecue party and enjoy your time with your friends and family. And I know what you must be thinking कि सब कुछ तो बता दिया but cost कौन बताएगा? But let me tell you, inside Luxembourg the transportation is absolutely free whether it's train, bus or tram, so the cost to reach here is absolutely zero. And that's it for today's video. Guys, check this place out. It's really nice. Enjoy the sun while summer is still here because you know it's Luxembourg. It's gonna rain soon. See you next time. Bye-bye.